तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक ओएसटी के ऊपर। ठीक है, अभी तो मैं काफी दिनों से किसी भी ओएसटी के ऊपर हमने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जहां पर भी देखो, जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं जाऊं, तो मुझे इस ओएसटी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसके टीजर्स के बारे में भी मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे, लेकिन मुझे इसके टीजर मिले नहीं थे। शायद से 2-3 दिन पहले की बात है, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं थे, या तो सिर्फ 1-2 ही थे या तो मुझे मिले ही नहीं थे, कुछ तो मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। ठीक है, इस ओएसटी का नाम है बख्तावर, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसमें हमें फीचरिंग देखने को मिलेगी यमुना जैदी की, और इसका थंबनेल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब मैं इसे देख रहा था, अभी देखा नहीं है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो 5-6 किस्म की लुक आप कह सकते हो, गेटअप आप कह सकते हो, अलग अलग तरीके का थंबनेल में हमें दिख रहा है यमुना का, तकरीबन 5-6 डिफरेंट लुक्स। तो पता नहीं क्या स्टोरी है इस ड्रामा की, हमें अब शायद ओएसटी के विजुअल्स देख के कुछ चीज समझ आ जाए, लेकिन थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस ट्रैक में अपने वोकल्स दिए हैं और इस ट्रैक को कंपोज और प्रोड्यूस किया है शिराज उपाल ने, और अगर हम लिरिक्स के बारे में बात करें तो लिरिक्स लिखे हैं मुबशर हसन ने। आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसी चीजें सजेस्ट करते रहो ताकि हमारी वीडियोस आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द आ सके। फिलहाल सभी चीजों को हम साइड पे रखते हैं, इस ओएसटी पे चलते हैं, इसे सुनते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अरे यमुना है, कैसी लुक है यार, क्या स्टोरी लाइन होगी इसकी, कैसी दिख रही ना, लड़के जैसी। जल के बुझा है धुआं सा, कुछ है यहां जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहां हूं मैं रुका है कुआं सा, खुद से रूठा हुआ हूं कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ। एक क्या एक्ट करती है यार, दिल लेके जाऊं कहां मुर्शिद रे, कोई ऐसी दवा दे मुर्शिद रे। बीच बीच में लड़की भी लग रही है ना, लड़की वाला रोल भी है, गेटअप भी है। बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग विजुअल्स है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा स्टोरी लाइन के बारे में। लेकिन कुछ तो खतरनाक कॉन्सेप्ट लग रहा है, ओएसटी की वीडियो में क्या ही समझेंगे। हलचल में साजिश की एक दलदल है, मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है, ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, से रूठा हुआ। नाइस है, बढ़िया कंपोजिशन, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ, दिल लेके जाऊं कहां मुर्शिद रे, कोई ऐसी दवा दे मुर्शिद रे, मुझे मुझसे अरे तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यमुना जैदी की, मतलब इनकी जो वो स्क्रिप्ट चूज करने की जो वो स्किल है ना, उसे भी मैं स्किल ही कहूंगा, मतलब इतनी डिफरेंट, इतना पूरा ना वेरिएशन, मतलब एक ड्रामा ऐसा है तो दूसरा पूरा ऐसा होगा, ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट। बहुत ही बढ़िया स्टोरीज चूज करती हैं, और ये देखकर तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया, इसमें कैसी कैसी लुक्स हैं इनकी, कैसे कैसे गेटअप लिए इन्होंने, बहुत ही बढ़िया यार, मेहनत करती हैं और बढ़िया स्क्रिप्ट पसंद करती हैं। मुझे इसकी स्टोरी तो ऐसे क्या ही स्टोरी समझ में आएगी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कुछ ज़बरदस्त डिफरेंट सी थीम लग रही थी इसकी,
कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का बनी हुई है इसमें, ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा लगा, जिसमें वो बाल छोटे थे, लेकिन बाकी जगहों पर भी कुछ एक ही लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियों का लग रहा था कि बहुत सारी लड़कियों का रोल कर रही हैं। एक में जैसे छोटे बाल हैं और लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं, और दूसरा वैसा ही गेटअप है जिसमें लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं और बाल छोटे ही हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी दो तीन रोल हैं, एक में वो चेहरा बंद करके, एक में मुझे दिख रहा है वो सर पे टोपी लगा के, तो कुछ तो खतरनाक चीज़ है यार। स्टोरी लाइन इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी यमुना ज़ैदी की कि ऐसी खतरनाक स्टोरीज़ चूज़ कर रही हैं। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि स्टोरी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और वो जो एक एक्सप्रेशन आया था ना, अब मैं कैसे बताऊँ, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। स्टार्टिंग में ही जब गाना स्टार्ट हुआ और वो कहीं पे बैठ रही थी, मतलब क्लोजअप था उनके चेहरे का, वो जो होता है ना कोई कुछ कह दे और रोना आ जाता है उस वक्त, वैसा कुछ एक्सप्रेशन था। बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट किया इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। ऑडियो के बारे में बात करूँ तो मतलब ऑडियो भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। कंपोजिशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और इन विजुअल्स के साथ जा रहा था, थोड़ा स्टोरी टेलिंग चल रही थी कि जिसमें आप विजुअल्स भी देखो और ऑडियो भी उस वाइब के साथ कनेक्ट करें, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ तो मैं सुन रहा था गौर से, उस कंपोजिशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड आते आते जब फिर से वो हुक आया मुर्शिदरे वाला, तो तब तक मैं वाइब पकड़ चुका था और अच्छी कंपोजिशन थी, वोकल्स प्यारे थे, बढ़िया अरेंजमेंट था। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को। बाय।